पिथौरागढ़ नगर के शांत वातावरण में गुणवत्ता युक्त शिक्षा का प्रमुख संस्थान मानस एकेडमी पिथौरागढ़। नमस्कार, NIN में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खास खबरें। लोहाघाट के ग्राम मझेड़ा में नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस कंकाल की शिनाख्त करने में जुट गई है। लोहाघाट थाने के प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि 2 अप्रैल को प्रधान मझेड़ा ने सूचना दी कि गांव खेतीगाड़ के जंगल स्थित गधेरे में पानी की टैंकी के पास एक अज्ञात व्यक्ति का कंकाल पड़ा हुआ है। इस पर SSI चेतन रावत मौके पर पहुंचे और कंकाल को कब्जे में लिया। कंकाल को लोहाघाट मोर्चरी में रखा गया है। पुलिस ने क्षेत्रवासियों से कंकाल की पहचान करने में पुलिस की मदद करने की अपील की है। SBI के क्षेत्रीय कार्यालय पिथौरागढ़ की ओर से CSR के तहत महाप्रबंधक दीपेश राज ने जिला अस्पताल के PMS डॉक्टर जयराज सिंह नबियाल को 5 व्हीलचेयर भेंट किए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों के लिए यह व्हीलचेयर काम आएंगे। पिथौरागढ़ के कुमार निवासी सूरज प्रसाद ने कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी कि 30 मार्च की रात किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके दुकान का ताला तोड़कर गल्ले से 2500 रुपए नगद, सिगरेट के डिब्बे व गुटखा आदि सामान चोरी कर लिया गया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की। टीम ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए जगदीश शर्मा उर्फ हेलमेट निवासी ग्राम सलकोट चंडाक हाल निवासी पांडे गांव को देव सिंह मैदान के पास से गिरफ्तार किया। उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। उसके पास से चोरी किए गए रुपयों में से 480 रुपए नगद व सिगरेट, गुटखा आदि सामान बरामद हुआ। मामले में धारा भी बढ़ाई गई है। आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ज्ञान प्रकाश संस्कृत पुस्तकालय न्यू बजेटी में युवा साहित्यकार नीरज चंद्र जोशी द्वारा लिखित काव्य संग्रह काव्य रश्मि का विमोचन किया गया। बता दें कि यह उनकी 5वीं पुस्तक है। पुस्तकालय के निदेशक डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी ने कहा कि नीरज की कविताएं सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई होती हैं। पिथौरागढ़ में पहली बार एशियन स्कूल लेकर आ गया है। AI लर्निंग और 5G प्ले ग्रुप, एकेडेमिक लर्निंग के साथ साथ स्पोर्ट्स, इनोवेटिव करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और भी बहुत कुछ। अब वसंत पंचमी से हर एडमिशन होगा बिल्कुल फ्री, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें एशियन स्कूल पिथौरागढ़। बलवाकोट के थाना अध्यक्ष अनिल आर्या के नेतृत्व में पुलिस एवं SSP टीम द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान स्थानीय लोगों को निर्भीक होकर किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष 100% मतदान करने के साथ ही सभी को आदर्श आचार संहिता का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन को देखते हुए पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा चौकीघाट एवं पनार क्षेत्र में ड्रोन कैमरे के माध्यम से अंतर जनपदीय बैरियरों पर चुनाव संबंधी प्रतिबंधित चुनाव सामग्री, अवैध शराब, अवैध शस्त्रों के परिवहन पर पूर्णतया अंकुश लगाने के लिए निगरानी की गई। टनकपुर क्षेत्र के नई बस्ती वार्ड 5 में बल्ली से बने टीन सेट के कच्चे मकान में आग लग गई। सूचना पर अग्निशमन केंद्र के जवानों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर गैस सिलेंडर से लगी आग को बुझाया। टीम की त्वरित कार्यवाही से आग को अन्यत्र फैलने व होने वाली हानि से बचाया गया। दिवंगत लोक गायक व संगीतज्ञ प्रकाश बेलाल को गांधी चौक पिथौरागढ़ में विभिन्न संगठन के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। लोगों ने कहा कि वह सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रीढ़ थे। उन्होंने बेलाल म्यूजिक ग्रुप का संचालन बखूबी किया। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यूज संबंधी सुझावों के लिए कमेंट करें। NIN सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।